सुप्रभात मान्यवर, अलमाटी में एक नई सुबह की शुरुआत। और आज यहाँ पे मौसम ठीक है, धूप लगी हुई है। और फिलहाल आज मेरे साथ में कुछ दोस्त हैं पंजाब से। आज सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ, मैं यहाँ पे अपने हॉस्टल के रिसेप्शन में गया तो सर सामने से आए स्माइल करते हुए और इन्होंने मुझे पहचाना। सबसे बड़ी बात, 2019 में जब मैं पहली बार रशिया गया था, मेरी फ़्लाइट थी ओमान एयर की, और इन्होंने मुझे बताया कि ये भी उसी फ्लाइट में थे और वीडियो में कहीं वो कैमरे में कैद हो गए थे पीछे मेरे ही वीडियो में। और सच में मुझे बड़ा अच्छा लगा, लगभग इतने सालों बाद सर आपने मुझे याद रखा, ये मेरे लिए बड़ी बात। इन्होंने खैर हमारे वीडियो देखे हैं। और आप ऑलरेडी बहुत सारे, लगभग कितनी कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं अभी तक? 29 के हैं। 29 कंट्रीज़ आप ट्रैवल कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी है। पर मेरे सभी ट्रैवल होते हैं अनप्लान्ड। अच्छा, तो मतलब आप कोई प्लानिंग नहीं करते? कोई प्लान नहीं होता। हाँ। अच्छा, और सीधा ऑन द स्पॉट ही बनता प्लान, चलो इधर चलते हैं इस बार। अरे वाह, क्या बात है। सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर अमन यू। आप भी ट्रैवल करते हैं सर की तरह ही? मेरे को शौक तो बहुत है, लेकिन मेरा प्रोफेशन की वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लेकिन जब भी टाइम निकलता है तो मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करते हैं। अरे सर क्या बात है। अच्छा, आपने लोगों की बात ही कुछ और है। ये जो पीछे हॉस्टल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 80% लोग इंडियंस हैं रुके हुए हैं और 20% शायद चाइनीज़ हैं। कल मैंने यहाँ की जो वो लेडी हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनसे पूछा कि आपके सबसे ज़्यादा जो गेस्ट कौन से हैं, तो उन्होंने कहा कि इंडियन और चाइनीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि लोगों की जो सोच है, एक्चुअल में पहले हम लोग भी सोचते ही नहीं थे फॉरेन ट्रैवल हम लोग कर सकते हैं। हमारे को एक दिमाग में डाला गया था कि बात ही नहीं करनी कि भाई फॉरेन ट्रैवल तो अमीरों का काम है, पैसे वाले लोग जा सकते हैं। माइंड में था ही नहीं कुछ ऐसा। तो अब धीरे धीरे बदल रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत कुछ दिखाते रहें, आपको हो सकता है जो है बेनिफिट इससे हो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें वीज़ा का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वीज़ा भी नहीं है क्या? जैसे मेरे प्रोफेशन में था तो मेरे पास टाइम लिमिटेड था, तो मैंने यही प्लान करा अभी ऑन द स्पॉट जहाँ पे भी जा सकता हूँ, That should be easy to go and time saving. तो time saving के लिए मेरे पास कोई वीज़े के लिए मेरे को वेट नहीं करना पड़ा। मेरा प्लान बना, कल ही टिकट बुक कराई, कल ही उठ के चल पड़े, तो 14 डेज का कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और है, मैंने पहली बार मैं किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे आया हूँ जब मेरे पास में एक भी कोई पेपर नहीं था, डॉक्यूमेंट नहीं था। यूजुअली जब भी जाते हैं तो हम लोग रखते हैं अपने साथ में, मैं ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में रखता हूँ, वीज़ा के प्रिंट्स अपने साथ में रखता हूँ, आने जाने के टिकट्स अपने साथ में रखता हूँ। फर्स्ट टाइम था ये जब मेरे पास कोई पेपर नहीं था, मेरे पास सिर्फ अपना मेरा पासपोर्ट था। और दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी रिटर्न टिकट है, तो मैंने कहा मेरी रिटर्न टिकट नहीं है, मेरी रिटर्न टिकट जो होगी वो ताशकंद से होगी क्योंकि मुझे यहाँ से उज़्बेकिस्तान जाना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उज़्बेकिस्तान का वीज़ा दिखा सकते हैं। तो मैंने अपने फ़ोन पे ही उनको दिखाया, उन्होंने मुझसे रिटर्न टिकट उसके बाद मांगी ही नहीं। क्योंकि मेरी ताशकंद से होनी है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि मैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अभी भी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ जी, आ जाओ आप भी। तो चलिए जी, आज आपको घुमाते हैं अलमाटी सिटी कुछ खास दोस्तों के साथ में। दरअसल अभी जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पे कुछ हमारे भारत के लोग आए हुए हैं, हालांकि वो थोड़ा सा पहले जो है उस चीज़ को छुपाना चाहते थे कि वो अलमाटी में क्यों है या यहाँ से आगे का उनका ट्रैवल प्लान क्या है, लेकिन हम लोगों को पता चल गया कि वो यहाँ पे क्यों है। तो एक जनरल जो बात है वो ये है कि मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है कि लोग भारत से बाहर आते हैं और यहाँ से फिर यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे अभी अलमाटी में हैं, कजाकिस्तान में, इन्होंने हमारे लिए 14 दिन के लिए वीज़ा फ्री किया हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे अब वो इलीगली लोग यहाँ से आगे जाना चाहते हैं यूरोप के देशों में। इसके बारे में बात करने के लिए सर मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये खुद ऐसी जगह से हैं जहाँ से ज़्यादातर जो लोग हैं, एक माइंड में उनके ये रहता कि हमें बाहर सेटल होना है। मैं अभी बात कर रहा था सर से, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये ओपिनियन अपना दें। तो सर आपको क्यों लगता है कि खास करके पंजाब से देखा जाता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कैनेडा, US या यूरोप के किसी भी देश में जाना चाहते हैं, रीज़न क्या है? जैसे दूसरे बाकी के हैं स्टेट्स अपने इंडिया के, तो मुझे लगता है शायद से कम हैं। रीज़न मेरे
पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है, जैसे एज पर्सनली मेरे को तो जैसे थोड़ा सा कल्चर्स देखने का, डिफरेंट कल्चर्स घूमने का, ये मेरे को थोड़ा शौक है पर्सनली। जी जी बिल्कुल, तो आई एम फॉर दैट रीजन। हाँ हाँ, लेकिन जो आम लोगों का मैंने अपने आसपास पंजाब में या कहीं पे देखा है जी, तो जनरल ओपिनियन इज लाइक बिकॉज इंडिया में हमारे जो है ना एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू स्पेंड ऑन हिमसेल्फ, जिस पे कोई ऐसा ना हो, कोई रोक टोक ना हो, गाड़ी भी हो राइट, अच्छा खाना भी हो, सब कुछ अच्छा हो, तो वो चीज़ें इंडिया में वो हो नहीं पा रही। ओके, फॉर सर्टन रीजंस राइट। और जो पढ़े लिखे भी हैं जी, जो बच्चे आजकल पढ़े लिखे भी हैं, तो दे आर नॉट गेटिंग दैट मच सैलरीज जिसमें वो अच्छे से गुजारा कर पाए। राइट, तो एक दूसरे को देखो दिखाई, चाहे वो बच्चे इस एज ग्रुप में होते हैं, प्लस टू पास करी होती हैं जी, दे आर नॉट दैट काइंड मैच्योर। देखो दिखाई एक बना हुआ है कि वो बाहर से आया, अच्छे कपड़े पहनता है, उसकी अच्छी मैंने पिक्चर देखी है, शायद वो अच्छी क्वालिटी लाइफ वहाँ पे व्यतीत कर रहा है। अच्छा, अगर मैं भी वहाँ पे पहुँच जाऊँगा शायद मेरी लाइफ भी वैसी ही हो जाएगी। अच्छा, बट दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, जो पंजाब में भी ज़्यादातर बच्चे जो मैंने देखे जी या सुना, तो उनको कुछ नहीं पता बाहर पहुँचना कैसे है, तो व्हाट विल बी द डिफ़िकल्टीज, सही रास्ता कौन सा है ये भी नहीं पता, और वहाँ पे पहुँच के करना क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो आपने खाना है, उसके लिए कोई कमाई करनी है, काम करना है, आप वहाँ पे काम कर सकते हो नहीं काम कर सकते किसी को नहीं पता जी जी, बट देखो दिखाई एक दूसरे को, मेरा दोस्त गया था, उसने किसी ने भेजा था, ऐसे एजेंट को पकड़ के एक दूसरे को आगे से आगे जाते रहते हैं। अच्छा, तो दिस इन लॉन्ग टर्म मैंने कई बार देखा भी है, कई बच्चों को ऐसे भी देखा वो इतनी डिफिकल्टीज से गुजरते हैं, उसके बाद दे डिसाइड टू कम बैक, अच्छा वापस भी आ जाते हैं कहीं। अच्छा, लेकिन कहीं ऐसे भी होते हैं क्योंकि पैसा इतना लग चुका होता है फैमिली का कहीं और पे, एक मेंटल स्ट्रेस लेवल भी चलता रहता है, स्ट्रेस की वजह से उनको होता है नहीं अब बाहर आई हैं तो यहाँ से किसी तरह पूरा करना है। अच्छा, वापस भी नहीं जा पाते, वहाँ पे भी अच्छे से नहीं कर पाते, तो व्हाट दिस इज माय ओपिनियन। आपको कहीं लगता है कि कई बार जैसे हमारा जो सोशल लाइफ है, अब मान लीजिए कोई एक आदमी बाहर गया हुआ है, जैसे आपने बताया कि वो फोटोज देख लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग कई बार दिखावे के लिए भी ऐसा इतने बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं। पंजाबी एंड पंजाब की कल्चर की अगर मैं बात करता हूँ, पंजाबी आर लाइक दिल में कुछ नहीं रखते। अच्छा, दे आर दे एक्सप्रेस देम सेल्फ फ्रीली फ्रीली यस, मतलब इतना अपने आप को एक्सप्रेसिव रखते हैं जी, जो है सब कुछ सामने है जी, ठीक है। तो देखो दिखाई जब वो बाहर से भी आते हैं, उनके रिलेटिव्स आते हैं, कोई और आते हैं, सब कुछ इमेजिन करते हैं अपने हिसाब से, देख के कुछ और, अभी इनके पास गाड़ी है, सब कुछ है, अच्छी जगह पे खाते हैं सोते हैं, बाहर बहुत अच्छा, मैं बाहर चले जाऊंगा तो मैं भी यहाँ भी पहुंच जाऊंगा। दीज आर एक्चुअली दे डोंट नो द ट्रुथ, हाउ मच हार्ड दे हैव टू वर्क फॉर इट, बाहर जाके एक्चुअली वो कितने टैक्स पेयर करने पड़ते हैं, कितना आपको कमाना है उसमें से, कितना आपको टैक्स देना, और अल्टीमेटली व्हाट यू आर सेविंग, ये चीज़ों का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। अच्छा, जैसे वो लड़का भी कह रहा था कि उनसे 30 लाख रुपए की डिमांड की गई थी एजेंट द्वारा, तो कि बाहर अब उसका गारंटी तो है नहीं एम्प्लॉयमेंट का, कि उनका तो शायद से सिर्फ ये रहता कि वहाँ उनको पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है वो शायद से उनको पहले बताया नहीं जाता, फिर बाद में उनको आगे एक के बाद एक करके बताया जाता है, जैसे कि अभी किसी को यहाँ कजाकिस्तान भेजा गया है, यहाँ से भेजा जा रहा है रशिया, फिर रशिया से कुछ दिन रुकने के बाद उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारे स्टैम्प्स इकट्ठी होनी चाहिए पासपोर्ट पे, यानी कि वो एक तरह की ट्रैवल हिस्ट्री जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालांकि उनको मालूम नहीं है, वो एजेंट की बात ही सुन रहे हैं और इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन मैच्योरिटी दिस ऑल मैन, फिर कोई बात आ गई ना। हाँ हाँ, अब यहाँ पे उनकी मैच्योरिटी कहाँ पे है, अगर आप उस लड़के की एज ग्रुप की बात करते हो, कौन से एज ग्रुप का होगा वो, तो बहुत आप वाइस एज ग्रुप में, आप जैसे हो जी, मैं एज ग्रुप में हूँ जी, आप सोच सकते हो ऐसी चीजें करने का, मतलब ही नहीं, नहीं सोच सकते ना, बिल्कुल। मैं आया हूँ, मेरे को कल ही आया हूँ जी, ठीक है, आई वॉज टू, मैंने सिर्फ एडवेंचर के लिए आया हूँ जी यहाँ पे जी, बिल्कुल। एक दिन मैंने ये भी सोचा मैं होटल भी अफोर्ड कर सकता था, मैंने ये भी सोचा मैं होटल नहीं लूंगा इस बार, मैं हॉस्टल्स वगैरह में एक कॉमन कल्चर में उनको देखना है अंदर से क्या है। हाँ राइट, जितनी देर मेरे को हॉस्टल भी नहीं ना मिला, हाँ हाँ, एक दिन मेरे को बैग लेके घूमना पड़ा, अच्छे से खाना नहीं मिल रहा, सुबह से लेके शाम तक मेरी बस होगी थी,
तो इवन आई कैन नॉट स्टे फॉर वन डे, आप बंदे को बॉर्डर टपा के छोड़ देते हो। हाँ क्या करें, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी खाने का नहीं है, खाने का नहीं है, रहने का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है, एक दिन निकालेगा, दो दिन निकालेगा, उसके बाद आगे। बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज ऑल, मतलब कि ये आपको जो एज ग्रुप है ना, ये जो सर्टन एज ग्रुप है, हाँ, इसमें ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो स्टेबिलिटी नहीं होती इस एज ग्रुप। हाँ राइट, उनको थोड़ा सा काउंसलिंग, उनको थोड़ा समझाना जरूरी है, समझाना जरूरी। इवन इफ दे वांट टू गो, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर जाना गलत है, लोग बाहर से इंडिया भी आते हैं काम करने के लिए। हाँ, काम बाहर करने के लिए आप जाओ, जाओ, रिलेशंस रखो। हाँ बिल्कुल, लेकिन इट शुड बी प्रॉपर वे, प्रॉपर वे में, बिल्कुल, जिसमें लीगली भी। हाँ जी, एंड सेकंडली इट शुड बी गुड फॉर You also and your family. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप अच्छे से रहोगे तो आपकी फैमिली अच्छे से पीछे सोएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अच्छा, सर ये पॉइंट आपने बहुत ज़बरदस्त रखा। अभी लास्ट टाइम एक मैंने वीडियो देखा था, वो भी पंजाब से थे, उन्होंने कहा था ये बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि उन्होंने घर में अपने खेत बेच दिए थे, एजेंट ने उनको बोला था शायद से 40-1 लाख रुपए देने के लिए, और क्योंकि ऑब्वियसली किसी के पास इतने पैसे होते नहीं है यूजुअली, तो उन्होंने अपने खेत बेच दिए थे और वो मेक्सिको से डिपोर्ट हुए थे। तो जब वो आए तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि 4 दिन तक वो दिल्ली में किसी दोस्त के यहाँ पे रुके। बिल्कुल। और वो वीडियो में कह रहे हैं कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अपने घर वालों को फेस कर सकूँ अब पंजाब जाके। दैट ऑल लीड टू स्ट्रेस। बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जी दूसरी लाइंस का तो मैं को अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। जी मैं एक डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। जी मैं जो अपना स्फीयर देखा है उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ थोड़ा। जी जैसे अगर डॉक्टर्स लाइन में, हमारी लाइन में मेडिकली, तो हमारे कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम दो, हाँ हाँ क्लियर करो। मेरे साथ को जिसको शौक है, जी मेरे साथ कई दोस्त बाहर बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, कनाडा बैठे हैं, इंग्लैंड बैठे हैं, जी ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, हर जगह पे बैठे हैं। पैरा मेडिकल है, कोई नर्सिंग स्टाफ है, कोई और है, जो प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं। जी वो रजिस्टर्ड नर्सेज कोर्सेज होता है, जी आरएन का कोर्स होता है करके, तो बड़ा अच्छे से लीगली दे आर डूइंग गुड वर्क। उसके बाद वो आपको भी संतुष्टि, बिल्कुल आपके घर वालों को भी संतुष्टि, जी बिल्कुल, यू फील गुड। अगर आप इंडिया में रहते हो, उसके बाद आपने इंडिया रहना है, वापस भी जाना है, हाँ हाँ, आपकी कदर है वहाँ पे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ऐसा कोई कदम मत उठाओ कि आप बाहर चले जाओ, उसके बाद आप इंडिया वालों को भी, अपने घर वालों को भी फेस मत कर पाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए सर ने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली है कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं, खास करके यंग एज में ये होता है कि यार वो कर रहा है, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी करना है, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बोला था मैं कि यहाँ से वहाँ जाना है, अमेरिका डायरेक्ट जाते हैं यहाँ से, उन्होंने जंगलों के थ्रू भेजा हमें, मैंने 18 लाख रुपए दे रखा है सिर्फ इंडियन को, वहाँ पे वो इधर वापस भेज रहे हैं। बुरा हाल है, एजेंटों ने सारा काम खराब कर रखा है।